नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है साइंस, जो आपका 25 नंबर का आने वाला है, और एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका करंट अफेयर्स, जो आपका 10 नंबर से 12 नंबर का रहने वाला है ग्रुप डी के अंदर। तो इसमें आप किस प्रकार से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर पाएं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने अगर मेरी बताई हुई स्ट्रेटेजी को अपनाया साइंस में, तो दोस्तों आप 25 में से 20 के अराउंड मार्क्स इजीली ला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और करंट में मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे में जो करंट है कहाँ तक की पूछी जाती है, आप कहाँ तक की, किस महीने तक की, किस ईयर की करंट अफेयर बने, जिससे आप एक अच्छा स्कोर बूस्ट कर पाएं। NTPC में जिस हिसाब से पेपर आए थे, उसी के बेसिस पे मैं आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताऊंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, रेलवे भर्ती के लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों तैयारी के साथ साथ टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मॉक्सट्री जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको ग्रुप डी के लिए बहुत अच्छे टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म की एक बहुत अच्छी विशेषता है कि जब इनके प्लेटफॉर्म पे आप टेस्ट देते हैं ना, तो वहाँ पे क्या आप अपना जोन सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जब आप टेस्ट सीरीज देंगे तो वहाँ आप जोन सेलेक्ट करके अपना टेस्ट दे सकते हैं। और जब आप टेस्ट देंगे तो उसके बाद आपके जिस जोन के अनुसार आपने टेस्ट दिया है, उस जोन में जितने भी छात्रों ने टेस्ट दिया है ना, तो वहाँ पे क्या है कि आपको दोस्तों आपकी रैंक यहाँ पर शो होगी, जिससे दोस्तों आप जो अपनी तैयारी है उसको और बेहतरीन कर सकते हैं। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक दिया गया है दोस्तों, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है जिनको आप देख सकते हैं, और देने के बाद दोस्तों आप दोस्तों कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे खेमराज 30, आप जैसे ही कूपन लगाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको 90 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपको मात्र 209 रुपये में ये जो टेस्ट सीरीज है आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप दोस्तों अपनी तो बेहतरीन तैयारी के लिए इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला, सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस के बारे में, साइंस कैसे पढ़े, और दूसरा हम बात करेंगे करंट अफेयर की। देखिए साइंस जो है ना दोस्तों 25 नंबर की है, 25 नंबर का वेटेज है, और ये कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैथ्स और रीजनिंग ऑलमोस्ट सबकी अच्छी होती है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों जो आपकी साइंस है ना, वो हर किसी की ठीक नहीं होती। जी हाँ, आप जब टेस्ट दे रहे होंगे ना, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको पता होगी, जिनके NTPC में अच्छे मार्क्स थे ना, वो भी अगर ग्रुप डी में बैठेंगे ना, तो वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 25 नंबर का, और जिसमें जिसकी साइंस में अच्छी पकड़ होगी वो एक अच्छा स्कोर बूस्ट कर पाएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम बात करते हैं कि आप क्या पढ़ेंगे। देखिए मैं आपको सिंपल सा बताना चाहूँगा कि अपनी जो NCERT की बुक है ना 9th 10th की, वो सबसे बेस्ट है। आपको किसी और अदर राइटर्स की ऑथर्स की बुक नहीं पढ़नी है। अगर आप 9th 10th की जो अपनी बुक है वो पढ़ लोगे, तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि मेरी जो साइंस थी ना, वो इसी वजह से अच्छी हुई थी। मैं साइंस ऑफलाइन में पढ़ाता था, और 9th और 10th की मैं पढ़ाता था, तो NCERT जो बुक है वो सबसे अच्छी है। लेकिन NCERT की जो बुक है ना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है कि जब आप उसको पढ़ने जाओगे ना, तो उसमें क्या आपको टाइम देना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ आपको टॉपिक वाइज इजीली यहाँ पर एक नोट्स की तरह लिखने को मिल जाएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 9th और 10th की जो बुक है ना, वो पढ़ सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी बुक है। राजस्थान बोर्ड की 9th और 10th की अगर आपको बुक कहीं से भी अवेलेबल हो जाए, तो आप वो ट्राई कीजिएगा। राजस्थान वाले तो ईजिली ट्राई कर पाएंगे। देखो PDF तो ऑलरेडी मैंने आपको दे दी है, PDF आप देख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम की जो बुक है। बुक तो देखिए दोस्तों, जिनके पास अवेलेबल है वो मंगवा लीजिएगा, बाकी आप PDF से पढ़िएगा, क्योंकि देखो वो बुक है ना बहुत अच्छी है, रियल में बता रहा हूँ। और दूसरा देखो, प्रैक्टिस के लिए आप कीजिएगा, यूथ पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिए, या किसी पब्लिकेशन ले लीजिए, यूथ की थोड़ी सी अच्छी है, क्योंकि उसमें क्या है दोस्तों कि आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाते हैं, न्यूमेरिकल भी आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, जिससे आप एक बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। मैंने भी साइंस की क्लासेस डाल रखी हैं, आपको अच्छी लगे तो आप उनको देख सकते हैं। लेकिन स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है मेरा जो न्यूमेरिकल वाला वीडियो है ना, वो ज़रूर देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल में मैं आपको बताया है कि इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो वो आप ज़रूर देख सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का मैं लिंक डाल दूंगा। तो साइंस की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं, मैंने आपको जो बताया वहाँ से। पहला आप अपना बेस क्लियर कीजिए 9th और 10th की बुक पढ़ के, है ना। CBSE की पढ़ सकते हैं, वो भी ठीक बुक है, लेकिन बहुत अच्छी जो बुक है ना, मैंने जो पढ़ी है वो ही है। दूसरा आपका जो है, आप ये प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और ये आपकी साइंस के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से, है ना, तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा देखिए, यहाँ पर बात करते हैं हम करंट अफेयर का। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर है ना, वो आजकल इतना लेंदी पूछे जाने लगा है। पहले जो करंट अफेयर था ना,
वो बहुत इजी पूछा जाता था और ऊपर से पूछा जाता था, मतलब जो नॉर्मल चीज़ें थी ना वो पूछी जाती थी। लेकिन आजकल क्या है दोस्तों, आजकल जो करंट अफेयर है बहुत डिटेल में पूछा जाना लगा है। यानी कि हम किसी भी टॉपिक को उठा के देख लें, चाहे वो आपका फेस्टिवल से रिलेटेड हो, चाहे आपका गेम्स के रिलेटेड हो। पहले पहले क्या होता था कि जो आपके गेम्स होते थे, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, फ्रेंच ओपन किसने जीता, ये क्वेश्चन आते थे। लेकिन आजकल क्या है, आजकल जो छोटी छोटी जो प्रतियोगिताएं होती है ना उनको पकड़ते हैं, जैसे अंडर 18 जो आपकी प्रतियोगिता होती है, एशियंस गेम होते हैं, मतलब जो छोटे लेवल पे होते हैं ना उनको यहाँ पर आजकल ज़्यादा पूछे जाने लगा है। और ये चैंपियनशिप वाले क्वेश्चन जो हैं, जिमनास्टिक वाले, ये बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, आप जुलाई 2021 से और आपका जून 2022 तक का ये जो एक साल का करंट अफेयर है ना, ये पढ़ लीजिए। ये मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट है। अब देखिए, पढ़ने के लिए देखो, या तो आप डेली क्लासेस भी ले सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, मैं देखो नाम तो किसी का नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे आप किसी से पढ़ सकते हैं। दूसरा जो है, आप बुक ले आइए मंथली, और मंथली अगर आप नहीं ला सकते तो ईयरली जो है वो आप ले आइए। देखो मैंने कई बुक पढ़ी हैं, किरण की पढ़ी है, और मैंने जो स्पीडी की आई है वो पढ़ी है। स्पीडी से बेटर मेरे को किरण की लगी है, मेरे खुद के पास भी रखी हुई है ना। मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए प्रमोशन के लिए नहीं है ये, मैंने खुद ने रख रखी है, एक मिनट मैं लाता हूँ। और देखिए ये कोई प्रमोशनल बुक नहीं है, प्रमोशन तो हम करते हैं तो आपको पता लग ही जाता है। देखो ये जो बुक है ये मैंने खुद ने पढ़ रखी है ना, आपको विश्वास भी होगा। देखो यहाँ पे ना इस बुक को मैंने पढ़ रखा है, आप लाइनिंग देख सकते हैं, ये जगह जगह ये लाइनिंग मैंने पेन से कर रखी है ना। और इसमें ना हर चीज़ें हैं, मतलब जो मैक्सिमम टॉपिक पूछे जाते हैं ना वो सब है। देखो मैंने इसमें पढ़ के आपको दिख भी रहा होगा, पेन से ये सब बहुत कुछ है मटेरियल जो यहाँ पर लिखा है। तो मेरे को ना ऑल ओवर इसमें बहुत अच्छा कंटेंट लगा है, आप दोस्तों इसको पढ़ सकते हैं, इसका कंटेंट है काफ़ी अच्छा है। तो आप क्या कीजिए कि जो करंट अफेयर है ना पिछला एक साल का, जब भी रेलवे के एग्ज़ाम हो, देखो लेटेस्ट जब एग्ज़ाम होती, मान लीजिए कि अगस्त में एग्ज़ाम होती है ना, तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि आपका अगस्त का करंट अफेयर पूछे। अगस्त में एग्ज़ाम हो रही है तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका जून से पहले का करंट अफेयर पूछेगा। ऐसा रेलवे में आपका हुआ है NTPC के अंदर। NTPC में आपका जो पेपर लगा है ना CBT 2 का, है ना, ये आपको पता होगा अभी लगा था जून के अंदर। तो इसमें क्या हुआ था कि आपका करंट अफेयर देखो 2022 का आया था, लेकिन वो जनवरी तक का आया था, है ना, एक दो पेपरों में आया था जनवरी तक का, जनवरी फरवरी तक का, लेकिन उसके बाद का नहीं आया। और अगर हम पीछे जाएं तो 2021 जनवरी का भी आया था। तो मैक्सिमम आप पिछले एक साल का पढ़िएगा, यानी कि आप जुलाई 2021 से पढ़ना शुरू कीजिएगा, और जो आपका जून 2022 में जो है पढ़ सकते हैं। और देखो टॉपिक जो है वही है अपने, इसमें देखिए जो नियुक्तियां हैं इनसे प्रश्न बहुत सारे आते हैं, GI Tag रिलेटेड है, रामसर साइट है, यूनेस्को हेरिटेज है, प्रमुख मोबाइल ऐप जो बनाए गए हैं मोबाइल, इसके अलावा पोर्टल, रिपोर्ट, पुरस्कार, सम्मान, है ना, इंडेक्सेस, इसके अलावा दिन भी पूछे जाते हैं, बहुत सारे दिन होते हैं तो उनके ऊपर कोई दिवस मनाया जाता है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं जो होती हैं, हमारी जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं वो, समिट जो होते हैं, सम्मेलन होते हैं बहुत सारे, वो रिसेंटली कोई बुक लॉन्च की गई है वो, इसके अलावा अगर कोई मंत्री परिषद में चेंजेस हुआ है, किसी को नया मंत्री बनाया गया है वो, इसके अलावा अगर किसी राज्य में इलेक्शन हुए हैं वहाँ में किस सरकार आई है, वहाँ में मुख्यमंत्री नए बनाए हैं वो, खेल जगत में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं ये भी आप पढ़ लीजिएगा, मेले महोत्सव ये, इसके अलावा अगर कोई विधेयक वगैरह बनाया है कोई अध्यादेश कोई अधिनियम सरकार ने वो, इसके अलावा यहाँ पर वर्ल्ड जो आपका करंट अफेयर वो पूछ जाने लगा है, यह पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अभी देखो बहुत सारे हैं, जैसे स्पेशली देखो टोक्यो ओलंपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, हर जगह क्वेश्चन पूछे गए थे, और क्वेश्चन जो है ना वो ऐसा नहीं है कि ऊपर से पूछे गए थे, टोक्यो ओलंपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे कि हमने कितने टोटल मेडल जीते, उसमें भी ऐसे है कितने टोटल मेडल जीते, भारत की रैंक कितनी थी, हमने कितने स्वर्ण जीते, ऐसा कौन सा खिलाड़ी था जिसने लगातार दो बार आपके जो ओलंपिक उसमें मेडल जीता, ऐसे क्वेश्चंस आजकल आने लगे हैं। तो आप देखो जो भी चीज़ें पढ़िए ना उनको थोड़ा डिटेल में पढ़िए, क्योंकि आजकल जो एग्जामिनर ना इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो ये आप पढ़िएगा, मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। बाकी आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो बनाने का पूरा कोशिश करेंगे। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।